नमस्कार, मैं गुरु हिसार और आप देख रहे हो हरियाणा समाचार। भाई, इस वक्त मौजूद हूँ हिसार के नगर निगम के अंदर और यहाँ पर काफ़ी कर्मचारी इकट्ठा हो चुके हैं कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने के लिए। पीछे मेरे देख सकते हैं कि प्रधान जी भी मौजूद है, काफ़ी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, बातचीत जरूर कर लेते हैं। सरकार ने दो बार समझौते कर लिए और उससे पहले फैसला किया था हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ बैठ कर ने कि हम हाई कोर्ट से अप्रूव लेके ने तमाम 10,500 कर्मचारी थे उस टाइम, 13,500 हैं जो 14 माह हैं, उन सभी कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे और वहाँ से हम मंजूरी ले लेते हैं। कोई बीच में अड़चन ना आए, कोई स्टे वगैरह ना ले ले, तो पहले जब मंजूरी ले ली अब उन्हें डर किस बात का है। हमारी मांग है कि जो आप लोगों ने समझौते किए हैं उसको तुरंत प्रभाव से लागू होना चाहिए ताकि कर्मचारी हड़ताल पर ना जाए, उनकी मजबूरी होगी और सारी जिम्मेवारी प्रशासन और सरकार की होती है इस मामले में, क्योंकि कई बार समझौते किए वो लागू नहीं करे, लगातार लागू करे हैं, चिट्ठी निकाल दी लेकिन उसके ऊपर ब्रेक लगवा दिया सरकार द्वारा कि अभी इनको पक्के मत करना। अब बाद में क्या कहते हैं कि जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो गया वो सीटी ख़त्म कर देते हैं, हम पोस्ट ही ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि जब भी उसके अगेंस्ट कर्मचारी लगेगा वो पोस्टें ख़त्म नहीं होती थी। हमारे पास 400 कुछ आदमी हमारे पास पेरोल पर किए तो वो पोस्ट के अगेंस्ट कर रखे थे, तो पोस्ट के अगेंस्ट है तो उन कर्मचारियों को पक्का करना चाहिए। ये यूनियन की मांग है, हमारे जो नरेश शास्त्री जी है राज्य प्रधान, उनकी भी यही डिमांड है और तमाम कर्मचारियों की। और पहले हमारे जो कर्मचारी अभी 100-150 कर्मचारी रहे हुए हैं जिनको प्लाट नहीं मिले, उन कर्मचारियों को भी रिहायशी प्लाट तमाम जो कर्मचारी हैं वर्तमान में उनको प्लाट मिलने चाहिए, क्योंकि प्लाट हमारे पास ज़मीन पड़ी हुई है 7 रोड के अंदर, वो प्लाट कर्मचारियों को मिलने चाहिए और हम फ्री में लेना चाहते, हमारे को जो सुविधाएं वो दी जाए और जो कलेक्टरेट है वो कर्मचारियों के खाते में से अपनी तनख्वाह में से काट लिया जाए और जो इनकी सिक्योरिटी बनती है वो हमारे से नकद जमा करा ली जाए। यही हम डिमांड कर रहे हैं, लगातार हमारी लड़ाई है और ये जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी, 17 सूत्रीय मांग पत्र दिया हुआ है हरियाणा सरकार को, उनमें से 2-4 भी पूरी मान लिया जाए, 11 को यस कर दिया लेकिन व्यवहार में आज तक एक भी लागू नहीं हुई। ये अशोक कुमार बोहित जी, सर क्या कहना चाहते हो? हम तो ये अपना नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा से, मेरा नाम है सुनील लाडवा, जिला प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। हमारी जो 29 तारीख को दिवाली की जो 11 दिन की हड़ताल चली थी, हमारे जो डेपुटेशन का जो समझौता हुआ था 11 दिन की हड़ताल के दौरान, ये फैसला हुआ था कि जो पक्के कच्चे कर्मचारी हैं उनको सभी को पक्का कर दिया जाएगा, 2,000 की पॉलिसी बनाकर हर महीने 2,000 कर्मचारी पक्के किए जाएंगे और 4-5 महीने में हमारे सारे कर्मचारी पक्के हो जाएंगे। जबकि उन्होंने प्रोविजनिंग, सरकार ने प्रोविजनिंग कॉपी भी लागू की जारी की थी, उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी ऐसा पत्र नहीं जारी किया गया और ना ही कोई ऐसी कार्रवाई चलाई गई है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। हमारा एक और था समान काम समान वेतन, इसके लिए भी उन्होंने यस कर दी थी, वो उसका भी कोई लेटर अभी प्रति पर लेटर जारी नहीं है, वो सिर्फ मेज तक ही बात रह गई है, धरातल पे अभी तक कोई भी बात हमारा जो लेटर है वो ना जारी नहीं है। वादे तो कर दे, एक वादा पर टिका तो कोई फिर कोई वादा तो इन्होंने हमारे साथ हर बार वादा किया है मगर वो उस वादे पर अभी तक भी ये सरकार खरी नहीं उतरी है। इसीलिए हम आपको आपकी मीडिया के माध्यम से कह देना चाहते हैं, आम नागरिकों को भी, कि हमें शोक नहीं हड़ताल करने का। हम बार बार हमारा जो ज्ञापन है वो कमिश्नर को भी देते हैं, विधायक को भी देते हैं, जो हमारा निकाय मंत्री उनको भी देते हैं, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस आता है? फिर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है, वो भी आया हुआ, पहले उनका रिस्पांस आया था, वो मीटिंग हुई थी, मीटिंग में ये खुद बैठे हुए थे और ओएसडी साहब भी बैठे हुए थे, उसमें ये सब हमारी सारी मांगे मानी गई थी, उसके बावजूद भी अभी तक ये लेटर जारी नहीं किए गए। मगर पब्लिक को ये बुखलाने का काम करती है ये सरकार कि कहते हैं कि आए दिन ये हड़ताल करने बैठ जाते हैं, हमारी मजबूरी है, हमारा कोई शौक नहीं हड़ताल करने का और हम पब्लिक से भी क्षमा चाहेंगे कि हम हड़ताल करने पे जो मजबूर होते हैं वो सरकार हमें मजबूर करती है, मगर वरना जो हम हमारी सुविधा है वो हम प्रति रोज अपने कार्य पर प्रत पे रहते हैं। हम सुबह उठ के आते हैं, हमें यह भी नहीं पता होता कि हमारा बच्चा स्कूल में जा रहा है या नहीं जा रहा, हम इसे जो शहर है उसको सुंदर बनाने का कार्य करते हैं, मगर उसके बावजूद भी हमारी इलेक्शन भी तो है, बिल्कुल है इलेक्शन, मगर ये सरकार तो सोचती नहीं है भाई इलेक्शन है, इतने वोट है भाई, अगर हम कर्मचारियों का कुछ करेंगे तो हो सकता है कर्मचारियों का रुझान भी हमारी तरफ हो, मगर सरकार का क्या पता क्या मंशा है क्या नहीं है। अभी तक जो बातें हो जाती है उसे धरातल पर पूरा नहीं करते, उनकी मंशा का ही नहीं पता सरकार का क्या है। और नाम बता, मेरा नाम सुनील लाडवा, जिला प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा।